हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिद्धार्थ चैनल में। आज अपने वीडियो में आपको बताने वाले हैं मसाला पनीर की रेसिपी। पनीर तो आपने बहुत बनाए होंगे, पर आप एक बार इस तरीके से मसाला पनीर को बना के देखिए, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट है, और इसे बनाना भी बहुत ही सरल है। अगर आपने एक बार इस तरीके से मसाला पनीर को बना लिया तो आप बार बार बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मार्केट से भी अच्छा, एकदम शुद्ध, सॉफ्ट, कम दामों में हम मसाला पनीर को घर पे कैसे बनाते हैं। तो मसाला पनीर बनाने के लिए यहाँ पे हमने फुल क्रीम 2 लीटर दूध ले लिया है। दूध अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिए। दूध आपको फुल क्रीम लेना है, दूध में पानी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। तो गैस चला के दूध को रख दिया है उबलने के लिए। एक अलची यहाँ पर हमने विनेगर ले लिया है, यानी सफ़ेद सिरका है। चम्मच से नापेंगे 3 से 4 चम्मच के लगभग सिरका है। जितना हमने सिरका लिया है उतना ही हमने पानी ले लिया है। अब पानी सिरका को अच्छी तरीके से हमने मिला लिया है, मिक्स कर लिया है। गरम दूध में 1/2 चम्मच आपको जीरा डाल देना है। जीरा डालकर मिक्स कर लीजिए। 1 चम्मच यहाँ पर हमने कस्तूरी मेथी ले लिया है। कस्तूरी मेथी को हमने हाथ से क्रश कर लिया है। कस्तूरी मेथी से मसाला पनीर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको लग रहा है कस्तूरी मेथी आपकी सॉफ्ट है, क्रश नहीं हो रही है, तो आप कस्तूरी मेथी को गर्म तवे पर कुछ देर के लिए रोस्ट कर लीजिए। इससे कस्तूरी मेथी आसानी से आपकी क्रश हो जाएगी। 2 हरी मिर्च थी, मिर्च को धोकर हमने मिर्च की एकदम बारीक चॉप कर लिया है। अब आपको टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना है। नमक अपने हिसाब से कमी ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच से भी कम हमने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है। अब सारे मसालों को दूध में मिला लीजिए। अगर आप मसाला पनीर को ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चिली फ्लेक्स नहीं डाला, सिर्फ हमने हरी मिर्च डाला है। थोड़ी सी धनिया पत्ती थी, धनिया पत्ती को धोकर धनिया पत्ती को हमने एकदम बारीक चॉप कर लिया है। तो आपको हरी मिर्च और धनिया पत्ती को एकदम बारीक चॉप करनी है। दोबारा एक बार फिर अच्छी तरीके से मसालों को मिक्स कर दीजिए। तो अभी तक हमने गैस को मीडियम रखा था, अब गैस को हम तेज़ कर देंगे और दूध में जल्दी से उबाल लाते हैं। तो दूध में उबाल आ गई है। उबाल आने के बाद जो आपने सिरका का घोल बना के तैयार किया तो उसे आप दूध में डाल दीजिए। तो गैस को हमने स्लो कर दिया है। इस तरीके से कलछी चलाते रहेंगे तो दूध आसानी से फट जाएगी। तो आप देख सकते हैं दूध हमारे यहाँ पे फट गई है। अब इस प्रोसेस पे आपको गैस को बंद कर देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपने दूध को पकाया तो आपके पनीर सॉफ्ट नहीं बनेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जैसे दूध फटे वैसे गैस को बंद कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है दूध नहीं फटी है, विनेगर कम पड़ रही है, तो थोड़ा सा विनेगर पानी मिक्स करके और डाल दीजिएगा। या आप हमने पतीली ले लिया, पतीली के ऊपर हमने छन्नी रख दिया है। अगर आपके पास तरीके से छन्नी नहीं है तो आप जो जाली वाली थाली आती है वो ले सकते हैं छन्नी की जगह। और छन्नी पर आपको एक साफ़ सुथरा सफ़ेद रंग का कोई कपड़ा ले लेना है जो पतला हो। तो यहाँ हमने रुमाल ले लिया है। अब हमें पनीर को छान लेना है कि जो पनीर का पानी है वो छन्नी से छन जाए। अब गरम पनीर के ऊपर आपको पानी डाल देना है कि जो विनेगर किशमिल है सारा निकल जाए। यहाँ पर हमने 1.5 गिलास के लगभग पानी डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद आपको चारों तरफ से रुमाल को इस तरीके से उठा लेना है। अब इसे 5 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ दीजिए, जो पनीर का सारा एक्स्ट्रा पानी है निकल जाए। तो पनीर को निचोड़ना नहीं है, हाथों से निचोड़िएगा नहीं। तो हमने 5 मिनट के लिए उसे छन्नी में रख दिया था कि जो पनीर का पानी है निकल जाए, तो हमने हाथ से नहीं निचोड़ा है। तो अब हमने थाली ले लिया है। थाली के ऊपर हमने पनीर वाले रुमाल को रख दिया है, उसे हाथ से हमने चारों तरफ से सेट कर लिया है। आप पनीर को जिस तरीके से मोटा पतला बनाना चाहते हैं उस तरीके से सेट कर लीजिए। तो यहाँ पनीर को हमने मीडियम में रखा है, ना ज़्यादा मोटा रखा है ना ज़्यादा पतला रखा है। अब हमने चारों तरफ से रुमाल से हमने कवर कर दिया अच्छी तरीके से, और हाथ से हम प्रेस कर देंगे हल्का सा कि पनीर अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो रुमाल से कवर करने के बाद इस तरीके से हमने चकली रख दिया है, और चकली के ऊपर आपको इस तरीके से कोई पत्थर रख देना, कोई भी बर्तन भारी बर्तन रख सकते हैं। और इस पनीर को हम 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, पनीर अच्छी तरीके से जैसे जम जाए, सेट हो जाए। तो 1/2 घंटा बाद हमने इस तरीके से पत्थर हटा दिया था। आप देख सकते हैं पनीर अच्छी तरीके से सेट हो गई है, पनीर में पानी बिल्कुल नहीं है। तो हम आपको हाथ में लेके दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं पनीर हमारी कितनी मुलायम बनी है, मसाला पनीर एकदम मार्केट जैसा। तो आप इस तरीके से बहुत ही कम समय में पनीर को बना के तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए
जितनी देखने अच्छी लग रही, देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी टेस्टी है। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका भी मसाला पनीर एकदम मार्केट जैसा बनेगा। इस तरीके से हमने मसाले पनीर को पहले लंबे साइज में कट कर लिया है, तो किनारे के हिस्सों को हमने कट करके निकाल दिया है जिसे देखने में भी एकदम मार्केट जैसा लगे। अब इसे हम इस तरीके से लंबे पीस में कट करने के बाद मीडियम साइज में हमने कट कर लिया है। जब आप सब्जी बनाए तो फिर इसे आप छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कितनी आराम से कट हो जा रही है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। एक बार हम आपको इस तरीके से प्रेस करके दिखा रही है, देख लीजिए कितनी अच्छी से प्रेस हो रही है, बिल्कुल नहीं डाला है। तो आप भी बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से मसाला पनीर घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं एकदम मार्केट जैसा। अगर आपको इस तरीके से मसाला पनीर बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पाए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।